इस लू और भयंकर गर्मी में अपने आप को सिंपल घर के खाने से कैसे हेल्दी बनाना है, कई बीमारियों से बचाना है और कैसे अपने आप को वेट लॉस करना है, तो इस वीडियो को सेव और शेयर कर लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सब खाना लेकर आ रही हूँ। तो इसके लिए हम पहले ले रहे हैं, ये मैं एक कप रागी का आटा ले रही हूँ और आधा कप मैं इसमें डालूंगी वीट का आटा। तो ये मैं रागी से मिक्स करके रोटी बनाऊंगी और इसमें आगे क्या ऐड करूंगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। रागी के बहुत बेनिफिट्स होते हैं और ये मैंने आधी कप लौकी को ग्रेट करके रखा हुआ है, लौकी कह लो, दूधी कह लो या घिया, जो भी आप कहते हैं। और लौकी के भी कितने बेनिफिट्स हैं, इसका कूलिंग इफ़ेक्ट है, गर्मी में आपको ये ठंडक देता है, ऐसे ही रागी के भी बहुत सारे कूलिंग इफ़ेक्ट होते हैं और ये आपकी हेल्थ को भी कैसे कई बीमारियों से बचाता है, हार्ट की प्रॉब्लम से, ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, डायबिटीज़, क्योंकि ये ग्लूटन फ्री है, स्किन पे अच्छा असर देता है, हेयर पे अच्छा असर देता है। तो आप इसको, रागी को, अपनी डेली डाइट में, रोटी में, परांठे में या कुछ भी और चीज़ें बना करके आप इसको ले सकते हो। तो इस रोटी को हम बना रहे हैं सिंपल तवे पे, जैसे हम रोटी को सेकते हैं वैसे ही इसको सेक रहे हैं। और रोटी जो है हमेशा आयरन के तवे पे बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो चल पड़े हैं ये नॉनस्टिक तवे, ये बहुत हमारी हेल्थ को नुकसान करते हैं। तो बस सिंपल सी हमारी ये रोटी है, लेकिन ये गुणों से भरी हुई है और इसको हम सब्जी के साथ एंजॉय करेंगे। तो ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, क्योंकि इसमें हमने लौकी भी ऐड करी हुई है और गेहूं का आटा भी डाला है। तो ये रोटी देखिए आप कितनी सॉफ्ट है, तो आप बना सकते हैं, आप इसको कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से आप इसको इससे बचा सकते हैं अपने आप को। और नेक्स्ट रोटी जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैं ले रही हूँ ज्वार का आटा। तो ये ज्वार का आटा गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत इसके कूलिंग इफ़ेक्ट है। तो एक कप ज्वार के आटे में आधा कप जो है हम गेहूं का आटा मिक्स करेंगे। और क्योंकि ये मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सिंपल नमक, मिर्च, जीरा, अजवाइन, गरम मसाला और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए अनारदाना। बेसिकली जो भी मसाले आप अपनी किचन में रखते हैं आप उन्हीं से ही ये चीज़ें बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये सिंपल खाने से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक प्याज बारीक कटा हुआ और ये मैंने लिया है चुकंदर यानी कि बीट रूट। इसको मैंने छोटे टुकड़े करके थोड़ा पानी डाल के और चटनी ग्राइंडर में इसको मैंने बीट कर लिया ताकि इसकी पेस्ट बन जाए अच्छे से। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ज्वार का भी अपना एक कूलिंग इफ़ेक्ट होता है और ये जो थोड़ा सा हमारे ग्राइंडर में लगा रहता है उसी पानी से ही हम इस आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। और ये देखो कितना सुंदर इसका रंग बनता है। आपको पता है बीटरूट हमें कितनी प्रॉब्लम से बचाता है, हमारे एनीमिया जो भी पेशेंट होते हैं उनको ये ज़रूर देना चाहिए। और प्याज तो अपने आप में एक गर्मी के लिए रामबाण है। तो ये हमने जैसे सॉफ्ट आटा लगाते हैं वैसे ही इसका आटा लगाया है। और अब क्योंकि मैं इसको ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, तो मैं इसके लिए इसको एक हल्का सा परांठे का रूप दूंगी। तो इसको थोड़ा सा बेल करके ज़रा सा हम देसी घी अंदर लगा लेंगे और फिर हम इसको जैसे स्टफ़ परांठा हम अपना रोल करते हैं वैसे ही इसको रोल करके और बस इसको सील कर देंगे। और फिर हम इसको सूखा आटा लगा करके और इस तरह से गोल बेल लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप स्क्वायर करें, ट्रायंगल करें। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनको सब्जियां नहीं खाने का मन होता। तो आप इस तरह उनको अलग अलग कलर की अलग अलग आटों से बनी हुई रोटियां खिला सकते हैं। तो इस तरह से हल्का सा घी लगाकर एक साइड पे मैं इसको एक सॉफ्ट सा परांठा बना लूँगी। तो ये परांठा हमारा बहुत ही गुणों का भंडार है,
हमारा जो हम सीरियल, ब्रेकफास्ट, म्यूसली और ये सब चीज़ें बच्चों को देते हैं, उनसे कई गुना ये हमारे इंडियन, चाहे इसको परांठा भी कह लो, हमने इसको कोई बटर से या किसी भी चीज़ों से लोड नहीं करा है, सिंपल सब्जियों से और अच्छे हेल्दी आटे से हम इसको बना रहे हैं। और साथ में है जी गर्मी का जो हमारी सौगात है, हमारे भारत की शान है आम का अचार, जो हर घर में बनता है गर्मी आते ही, और ये है घर की बनी हुई दही। तो नेक्स्ट जो हमारी रोटी है उसके लिए हम धनिए का यूज़ करेंगे, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी आइटम है, हर घर में पड़ी होती है। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके हम स्टेम को भी यूज़ करेंगे, और धनिया इसके स्टेम के साथ कितना इसका गर्मी में एक कूलिंग सा इफ़ेक्ट आता है ये आपको भी पता है। तो ये हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ जौ का आटा। ये सब तरह के आटे आपको हर शॉप पे, हर कन्फेक्शनरी शॉप पे, ग्रोसरी शॉप पे बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं ये 1.5 कटोरी मैंने जौ का आटा लिया है और उतना ही मैंने गेहूं का आटा मिलाया है इसमें, वीट का आटा। तो इस आटों को हम मिक्स कर देंगे, और जो हमने धो करके अपनी धनिया को काट के रखा हुआ है, तो धनिया को आप पहले धो लें अच्छे से पानी में, खुले पानी में धो लें ताकि इसकी सारी मिट्टी विट्टी निकल जाए, और फिर इसको काटें, क्योंकि काटने के बाद धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच भर के दही के। तो देखा हम किस तरह से अपने आटों को भी, अपने खाने को भी हेल्दी बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाएं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस इस आटे को भी हम इसी तरह से गूंद लेंगे, और इसको थोड़ा सा पानी का हाथ लगा करके हम इसको ढक करके रख देंगे। आटे को 5-1 मिनट के लिए ज़रूर रखना चाहिए, ताकि आटा जो है अच्छे से फूल जाए और उससे कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इस आटे की रोटी बनाएंगे। जौ का आटा गर्मी में बहुत ही अच्छा है, जौ जिसको हम बारले बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आटे बना करके आप अपनी फैमिली को बहुत हेल्दी रख सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी अपनी डाइट में इन सब आटों को शामिल करें। मेरे घर में तो डेली एक आटे की एक तरह की रोटी बनती है। और अगर आपको इस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आगे के लिए 3 दिन के लिए आपको 3 रोटी का और भी बता सकती हूँ, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। तो इस तरह से हम ये रोटी बना लेंगे जो कि धनिया के साथ। तो आपने देखा होगा कि कैसे हम डेली में जो हम सब्जियां खाते हैं, अगर बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो हम उनको कैसे आटे के साथ मिक्स करके उनकी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी बना सकते हैं। अगर सेहत है तो सब कुछ है। तो बस फिर इस रोटी को भी हम एंजॉय करेंगे दाल और सिंपल सैलेड के साथ, जो हमें गर्मियों में ज़रूर खानी चाहिए। प्याज, टमाटर, खीरा, ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इनको मिस कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और देखते रहे इसी तरह के और नए नए वीडियो, हेल्दी वीडियो, जो आपको, आपकी फैमिली को कई बीमारियों से बचाएंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी किसी नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड हैप्पी समर।